जीतू सोनी पर पुलिस अपना शिकंजा लगातार कसते नजर आ रही है और इसी कड़ी में यहां जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी को कार्रवाई के दौरान ही इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिसमें कनाडिया, तुकोगंज, पलासिया, MIG में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। आज इंदौर MIG पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहाँ कोर्ट ने आरोपी अमित सोनी को 3 दिन की रिमांड पर MIG पुलिस को सौंप दिया है। इसी के साथ अमित सोनी ने मीडिया को बताया कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है और पुलिस हनी ट्रैप मामले में जो खबरें प्रकाशित हुई उसी के चलते इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वही लगातार हार्ड डिस्क के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आरोपी अमित सोनी के वकील का कहना है कि अमित सोनी को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है और पुलिस अभी तक कोर्ट के समक्ष अमित सोनी से संबंधित एविडेंस पेश नहीं कर पाई है। आज अमित सोनी के मामले में जो है मनीष भट्ट साहब के वहाँ पेश किया है, उनके सभी मामलों में इसको DI में पहुँचाने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद थाना MIG ने जो है इनको फॉर्मल गिरफ्तारी लेके जो है श्री भदौरिया साहब के न्यायालय के अंदर जो है 5 दिन का PR की डिमांड की गई और न्यायालय के सामने हमने तर्क उनने ये कह के उनको जो है IT Act के अंदर सीधी जब्त करना है उसको से। तो मेरे साथ ये जो आधार बताए ये आधार गलत है क्योंकि OT पूरी तरह से टूट चुका है और पुलिस कस्टडी में और सर्च वारंट के द्वारा जो है ये OT को जो है तोड़ा गया और पुलिस के समय इसको रिमांड नहीं देना चाहिए। तो न्यायालय ने 2 दिन का जो है पुलिस रिमांड जो है इसके अंदर ग्रांट किया। पुलिस की जांच, पुलिस का इतना इंटरेस्ट ले रही है इस तरह के मामलों में कि रात को 2 बजे जो है न्यायालय खुलता है और न्यायालय के अंदर सर्च वारंट के लिए रात को 2 बजे का न्यायाधीश आता है, न्यायालय खुलता है और 2 बजे इसको सर्च वारंट ये लोग कलेक्ट करते हैं। मैंने इसको फयाज फंसाने के लिए और षडयंत्र के लिए पुलिस जो है रात को 2-2 बजे तक न्यायालय खुलवा रही है जो 50 साल के इतिहास में आज तक न्यायालय कभी 2 बजे रात को नहीं कभी। सर IT Act का रिमांड लिया जाता है या नहीं लिया जा सकता है इसमें क्योंकि 420/67-68 है इसलिए लिया जा रहा है और ये मात्र इसको परेशान इसलिए कर रहे हैं कि जीतू सोनी फरार।